सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं कुंदे सी रही हूँ पजामे के साथ। दूसरा कुंदा भी साथ जोड़ लूंगी। ये अब उसी कुंदे को मैं दूसरे पोंचे के साथ सिलाई करूंगी। कुंदों की सिलाई की अगर आप किसी को समझ नहीं आ रही तो वो मेरी इससे पहले डिटेल वीडियो बनी हुई है, वो उसको देख सकता है। ये देखिए अब हमने कुंदों को पोंचों के साथ जोड़ दिया है। आप जो दूसरा कुंदे रह गए उसको इस कुंदे को इस पोंचे के साथ जोड़ेंगे और उसी तरह फिर दूसरे के साथ और ये पजामा कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं दूसरे कुंदे को दूसरे पोंचे के साथ जोड़ूंगी। अब इसी कुंद आखिरी कुंदे को मैं पोंचे के साथ जोड़ूंगी। इसके बाद मैं नेफा बनाऊंगी। ये हमारा पजामा अब बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसके बाद हम सिर्फ इसका नेफा बनाएंगे और नीचे से पोंचे को तैयार करेंगे। पोंचा हमने घेरे की तरह थोड़ा सा इसको टर्न करना है। ये मैंने शरारे की दोनों टांगों को ऊपर नीचे रख लिया। रखने के बाद 10 इंच मैंने इसकी लेंथ ले ली है लंबाई में, ये 10 इंच और ये 2 इंच मैंने चाक से इसका निशान लगाया। निशान लगाने के बाद इसको हल्का सा कर्व कर लिया, गुलाई कर ली और इसकी अब हम आसन की कटिंग करेंगे। ये मैंने इसको बस हल्की सी शेप देनी है इसलिए मैं इसको जब हमने आसन की गुलाई कर ली। अब हम इसको आपस में सिलाई करेंगे। इस तरह इसको इसके साथ इस तरह सिलाई करेंगे। मैं अब आसन को सी रही हूँ। इसी तरह मैं दूसरा सिलूंगी। अब हमने इसकी सेंटर की म्यानी को सी ली है। अब मैं इसके पोंचे को तैयार करूंगी। थोड़े से कपड़े को लेकर इस तरह और फिर इस तरह जिस तरह घेरा बनाते हैं। अब मैं इसी तरह दूसरा पोंचा भी तैयार कर लूंगी। ये मैंने दोनों पोंचे तैयार कर लिए हैं। इसके बाद अब हम शरारे को इसके पजामे के साथ अटैच करेंगे। अब मैं इसका नेफा तैयार करने लगी हूँ। नेफे के लिए आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, मैं इससे पहले आपको बहुत दफा नेफे का तरीका बता चुकी हूँ इसलिए मैं अब नेफा तैयार कर लूंगी। इस तरह मैं सारा नेफा तैयार कर लूंगी और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसका सारा नेफा तैयार कर लिया है। नेफा तैयार करने के बाद मैंने 9 इंच यहां से निशान रखकर ये मैंने 9 इंच, अब ये 7 इंच रह गया। ये 9 इंच रखकर मैंने इसको ये निशान लगा लिया था पूरी शलवार पर जो इसका पजामा है। ये पूरा राउंड में लगाने के बाद अब हम एक
पोटे वाली या जो उसको हम वन स्लीव प्लेट कहते हैं वो मैं डाल दूंगी। इसके लिए आपको अलग से बेल्ट बनाने की जरूरत नहीं बनेगी। और घेर आपका खुला आएगा पजामे का, यानी कि मोटे से मोटा बंदा भी अगर ये पजामा पहन लेगा चुनट वाला, तो शरारा खुला और अंदर से फिटिंग आएगी, तो बड़ी स्लिम लुक आएगी। इस स्लिम लुक के लिए हमने पजामे को चुनट डाल ली है। मतलब आदमी मिलते हैं एक को और एक को नहीं मिलते, मतलब ऐसी ऐसी बातें बोलेगा ये। क्या कहा था सर ने? केवल शक्ल सीरत नहीं है तुम्हारे अंदर और दिल भी नहीं। दिल होता है ना किसी इंसान रिस्पेक्ट करता है, एटलीस्ट उसकी दिल। क्या है वो मैं यहाँ नहीं लाऊंगा, मैंने डिसाइड किया जो शो में हुआ है शो का ही तुम्हें बता रहा। तुमने शो में ये बोला कि तुम्हारी रिलेशनशिप फेक के लिए तुमने शो के लिए बनाई थी, अगर तुमने फेक रिलेशनशिप बनाई थी इसी तरह मैं दोनों तरफ चुनट डालूंगी। चुनट का जो घेर है वो हम उतना रखेंगे जितना मेरे शरारे की ऊपर से वेस्ट होगी। आपने अपनी वेस्ट के मुताबिक इसको चुनट डालनी है जो शरारे की वेस्ट रखेंगे। मैंने पजामे को चुनट डाल लिया और इसको उतना शरारे की वेस्ट जितना मैंने इसको इक्वल कर लिया है। आप चाहें तो अलग से बेल्ट भी इसकी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने उसी पजामे के अंदर आपको चुनट डाल दिया है ताकि कोई अगर हेल्दी बंदा भी शरारे को पहने तो उसको भी मसला ना आए। अब सिंपली हम शरारे को इसके साथ अटैच करेंगे और सेंटर की अलग अलग जो नाली है ना वो सिलाई कर देंगे। ये इसकी फाइनल लुक है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो पजामा हमने अंदर की तरफ सिया था वो सिर्फ इतना है, यहां से यहां तक, और ये इसका घेर है। इसी तरह दूसरी तरफ है। अब ये मैं स्टिचिंग से पहले आपको ये दिखाना चाहती थी कि ये जो हमने बेल्ट को वेस्ट के मुताबिक इक्वल किया है वो इस तरह आएगा और ऊपर से ये इतना चौड़ा है, क्योंकि हमने खुले घेर का पजामा सिया था कि अगर किसी हेल्दी पर्सन ने भी पहना हो तो उसको समझ आ जाए। आप इसको सिंपल बेल्ट भी लगा सकते हैं अगर ये चुनट नहीं डालनी। अब आप इसकी लुक देख लें कि ये इस तरह से आएगा, ऊपर वाला हिस्सा ये बेल्ट का है। अब मैं ये हिस्सा सिलाई करूंगी दोनों तरफ से और इसके बाद ये सेंटर की नाली, ये सेंटर की नाली को यहां से सी दूंगी। एक बात का आपने ख्याल रखना है, इसको मैंने अलग सीना है इनको और ये पजामे को अलग सीना है, लेकिन पहनते वक्त आप इकट्ठा पहनेंगे। अब मैं इसको स्टिच करूंगी। अच्छा, यहां पे व्यूअर्स एक बात देखने वाली है वो ये कि मैंने इस नेट के शरारे को उल्टा दिया, उल्टाने के बाद इसको सीधी तरफ सिलाई लगाऊंगी और इसका फायदा ये होगा ये टांग नीचे की तरफ और शरारा ऊपर की तरफ नेफे वाली साइड पर। इसका फायदा ये होगा कि इससे आपकी गुम सिलाई लग जाएगी और बाहर आपको लगेगा कि इकट्ठा ही जुड़ा हुआ है। अब मैं इसको सिलाई लगाऊंगी। याद रखना है आपने कि ये जो शरारा है वो नेफे वाली साइड पर और जो पजामा है वो नीचे की तरफ आपने करना है। इस तरह ये गुम सिलाई आ जाएगी। ये रेडीमेड कपड़ों को इस तरह की सिलाई लगती है। ये देखें, आप गुम सिलाई आपको वाजिया तौर पर समझाने के लिए मैं बता रही हूं कि मैंने इसको ये सारी सिलाई लगा ली है, ये पजामे वाला हिस्सा एक तरफ और शरारा सारा नेफे वाली तरफ ऊपर को कर लिया। ये आप करने के बाद अब इसी कपड़े को मैं आपके सामने उल्टा कर इसको, ये सीधी साइड है ये पोंछे से देख रहे हैं, अब इसको उल्टा कर ये हमारी गुम सिलाई होगी। ऐसा लगता है कि बेल्ट और ये इकट्ठा अटैच किया गया। अब मैं इसको आपको सारा सीधा करके दिखा देती हूं। ये एक टांग का घेर है,
लेंगे जितना। इसके बाद अब मैं ये नाली सीऊंगी अलग अलग, पहले पजामे की फिर शरारे की, और ये हमारा जो शरारा है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब मैं सबसे पहले नेट को सीऊंगी, नेट की नाली वाली सिलाई लगाने के बाद मैं पजामे की सिलाई लगाऊंगी। ये सेंटर के साथ, ये आसन के साथ हम आसन मिलाएंगे। यार मैंने आसन सी लिया, अब मैं दूसरी नाली की तरफ जा रही हूँ, दूसरे पेंचे की नाली की। अब ये मैं कपड़े का जो पजामा है उसकी नाली से हूँ। मैंने अब इसकी नाली सी ली है, सीने के बाद मैंने इस शरारे को नीचे से बाजार से पीको करवाई है मोतियों वाली। ये आप देख लें, आपको अगर सिंपल पीको करवानी तो आप सिंपल भी करवा सकते हैं, तार वाली या बेबी पीको, लेकिन मैंने मोतियों वाली करवाई है। ये इसकी बेल्ट है, अब मैं आपको इसको खोल के भी दिखा देती हूँ। सीते वक्त आपको ये क्लियर नहीं हुआ होगा, ये देखें, ये देखें, ये इसकी फाइनल लुक है। अब हमारा शरारा मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है, ये नेट्स का शरारा और नीचे ये इसका ट्राउजर। और ये आप इसकी बेल्ट देख सकते हैं, जो आप शायद तब क्लियर ना हो। अब ये मैं आपको पहनकर दिखाती हूं कि इसकी क्या लुक और ग्रेस आई है। ये देखिए, ये हमारा शरारा तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि इसकी स्टिचिंग, कटिंग, डिजाइन और वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह एक बार फिर नए डिजाइन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाजत दीजिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।